हे गाइस, मेरा नाम अनुराग और आरपी कार्लोस के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप लोग का प्यार ही है। जो लॉकडाउन में भी मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे थे, लॉकडाउन होने की वजह से मतलब मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, सिर्फ 2 या 4 वीडियो ही मंथ में आ पा रही थी और अभी तो 2-3 महीने वीडियो ही नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही आगे भी आप लोग सपोर्ट दिखाते रहेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँ। दोस्तों बेसिकली जबलपुर में इतना ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है अभी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, अब लेकिन धीरे धीरे मार्केट खोल रहे हैं तो मैं एक एक जगह जाके आप लोग को आज सारा स्टॉक दिखाने वाला हूँ। आज सिर्फ एक जगह एक वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है क्योंकि जबलपुर के सारा मार्केट खुल चुका है, इसी के साथ साथ सारे कारोबार खुल चुके हैं, लेकिन स्टॉक सिर्फ कुछ जगह पर है, मैं जाके देख चुका हूँ क्योंकि आप लोग इतने दिन से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अनुराग भाई वीडियो कब आएगी, वीडियो कब आएगी। तो यार आज ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्टली मैं सारे कारोबार दिखा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई भी बात करना हो तो इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ मुझसे सारी बात कर सकते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ कि अब जबलपुर के अलावा भी और भी जो आसपास की सिटी है जैसे दमोह, सतना, रीवा, भोपाल, इंदौर, इटारसी जो भी है, मैं वहाँ जाके जो भी कार बाजार है वो कवर करूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो से हो तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपकी सिटी आके कवर करना चाहूँ या मतलब कवर करूँ या ना करूँ, और अपनी जो आपका सबसे अच्छा कार बाजार है उसे मेरे बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं बातें, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन केसी कार बाज़ार से क्योंकि केसी कार बाज़ार की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है और आप लोग काफ़ी सारे भाई आते हैं जो गाड़ियां लेके जाते हैं। यहां का एक क्विक रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों, पूरा स्टॉक मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहले जो गाड़ी यहां पे आपको मिलने वाली है वो होने वाली है वरना SX 2016 डीजल का टॉप मॉडल, ये आपको मिल जाएगी 6.5 लाख रुपये में। डीजल का टॉप मॉडल है और फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली हुई है, इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी गाड़ी होने वाली है इंडिका विस्टा, ये होने वाली है 2010 का टॉप मॉडल, बहुत ही शानदार कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर पे है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, गाड़ी के टायर आप देखते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है, सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली हुई है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जो प्राइस मिलने वाला है वो आपको 2 लाख के अंदर 1,65,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, उसमें भी अगर आप आएंगे और मेरा नाम बताएंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। तीसरी गाड़ी है दोस्तों आपकी ऑल टाइम फेवरेट डिज़ायर, अब ये डिज़ायर होने वाली है डीजल में VDI मॉडल, फर्स्ट ओनर में होने वाली है, 2015 का मॉडल है, इसके लिए भी आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये चली हुई है 60,000 किलोमीटर, तो जिनको दिक्कत नहीं है 60,000 किलोमीटर से तो इसके लिए वो जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। इसका हमने जो आस्किंग प्राइस रखे हैं वो रखे हैं 5.5 लाख रुपए। चलिए अगली गाड़ी चलते हैं आप लोग की बहुत फेवरेट वैगनार की तरफ, अभी होने वाली है वैगनार, 2007 का मॉडल है ये और फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी भी है और ये LXi वेरियंट है, फर्स्ट ओनर है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, चली हुई है 55,000 किलोमीटर, तो इसके लिए आप जा सकते हैं और इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,65,000 रुपये, जिसमें आपका भाई बिल्कुल नेगोशिएबल करवाने की कोशिश करेगा। वो बस आपको आना है और आपके भाई का एक नाम बताना है कि आप RP कार्लोस की वीडियो देख के आए, तो नेगोशिएबल हो जाएगा। इन जीप्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है। इसकी तरफ आते हैं, ये होने वाली है बोलेरो, 2 लाख के अंदर जिसको बोलेरो चाहिए थी तो भाई ले जाओ, बहुत शानदार कंडीशन में है, फर्स्ट ओनर पे गाड़ी है, 2006 का मॉडल है, टायर देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है और ग्राउंड क्लियरेंस देखिए आप, अगर चलाएंगे ना खड्डों वगैरह में लद्दाख चली जाएगी ये गाड़ी, कहीं पर भी ले सकते हैं इसको, चली हुई है ये 1.5 लाख के आसपास, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। इसका जो प्राइस होने वाला है वो 2,30,000, मैं आपको 2 लाख में गाड़ी दिलवा दूंगा गारंटी के साथ अगर आप आते हैं तो। चौथी या पांचवी गाड़ी जो होने वाली है वो होने वाली है i10। बेसिकली आज मैं आपको एक छोटी गाड़ियों का स्टॉक दिखाने वाला हूँ, ये i10 होने वाली है 2008 का मॉडल और ये है अपनी एरा, इसमें आपको फ्रंट पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, म्यूज़िक प्लेयर सब कुछ मिल जाएगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये जेन्युइन जो कंपनी के टायर आए थे आज तक वही टायर लगे हैं क्योंकि ये सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली हुई है। इंश्योरेंस इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता, वो आपको करवाना पड़ेगा। इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,85,000 रुपये, मतलब 1,85,000। उसके बाद ये स्विफ्ट, इसका रेट मुझे पता नहीं है इसलिए मैं उसको बाद में कर करूँगा, इसकी और आते हैं देख सकते हैं जैन 2003 मॉडल की, ये भी फर्स्ट ओनर पे गाड़ी है, सारी जितनी पुरानी गाड़ी है सारी फर्स्ट ओनर पे है और ये 65,000 चली है ओरिजिनल और ये Euro 3 इंजन है जिसमें आपको इंजेक्टर मिलते हैं, इसके पहले जो इंजन आता था वो वाला आता था, क्या बोलते हैं कार्बोरेटर वाला जो इंजन आता था, ये है बिल्कुल जैन, इसमें भी आपको फ्रंट पावर विंडो इतनी पुरानी गाड़ी मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, म्यूज़िक प्लेयर मिल जाएगा। ये गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस रखे हुए हैं वो रखे हैं 88,000 रुपीज़। अगली जो गाड़ी है वो होने वाली है वरना, एक वरना मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और ये वाली जो वरना है ये होने वाली है 2014 का SX ऑटोमेटिक पेट्रोल का टॉप एंड वेरिएंट, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली हुई है, सॉरी ये सेकंड ओनर गाड़ी है, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली हुई है कंपनी रिकॉर्ड के साथ,
तो इसके लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको एक ऑटोमेटिक वेरिएंट गाड़ी चाहिए थी तो वरना से अच्छी और कोई हो भी नहीं सकती है। इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो रखे हैं अपन ने 6.5 लाख रुपये, आएंगे तो ऑन टेबल अपन नेगोशिएबल करा देंगे। तो भाई लोग अब आए हुआ हूँ मैं सेकंड कार बाज़ार, यहाँ पे भी आप लोग को मारुति की सेकंड हैंड प्री ओन्ड कार मिल जाएगी। इसका नाम है ट्रू वैल्यू कार जोन। तो यह एक्सपो मोटर का ऑफिशियल कार बाज़ार है और ये भी मदन महल रोड में। यहाँ की वीडियो भी आपने ऑलरेडी पहले देख चुकी हैं, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक एक करके मैं आपको स्टॉक नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आपको सारी ही मिल जाती हैं, मतलब बेसिकली मारुति की मिलती हैं। जिसके यहाँ डिज़ायर खड़ी हुई है, एक स्विफ्ट भी मिल जाएगी आपको, स्विफ्ट की वैरायटी काफ़ी सारी हैं। वैगनर मिल जाएगी, यहाँ तक कि ओमनी और दूसरे ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं जैसे छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और कितने कितने प्राइस में। कुछ कुछ में तो आपको टैग लगे हुए हैं, जैसे ये i20 डीजल मैगना है तो इसमें 3.5 लाख रुपये इसका लिखा हुआ है। बाकी इस साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, टर्बो वगैरह ये भी मिल जाएंगे। छोटी गाड़ियाँ हैं, वैगनर चाहिए, सेंट्रो चाहिए और ये अपनी पुरानी वाली जो जैन आती थी ये भी मिल जाएगी, ओल्ड शेप वाली। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टॉक है इनका, इसलिए मैं आपको एक एक करके तो नहीं बता पाऊँगा। अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी चाहिए, ऐसी गाड़ी नहीं मतलब डाले वाली, तो ये भी ले सकते हैं आप। बाकी यार न्यू शेप में भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे इग्निस खड़ी हुई है, ये इग्निस भी आपको मिल सकती है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे। तो दोस्तों ये रहा, एक मिनट, तो दोस्तों ये रहा किसी कार बाज़ार का स्टॉक। अब हम चलेंगे सेकंड कार बाज़ार और देखेंगे वहाँ पे कौन सा स्टॉक मिलने वाला है। तो वीडियो देखते रहना दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में कम से कम मैं 50 सेकंड हैंड कार दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार बाज़ार। अरे लोगों के नंबर मिल जाएंगे तो आप डायरेक्टली कॉल करके यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये है मदन महल रोड में ट्रू वैल्यू कार बाज़ार। कार बाज़ार बेसिकली ऐसा है कि ये आपने देखे होंगे जो शो मोटर होते हैं, मतलब कोई सी भी मारुति के शोरूम होते हैं, उनके एक प्री ओन्ड कार के शोरूम होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ कटने को आती हैं, तो ये वो वाले शोरूम है। इस तरह देख सकते हैं ये 40,000 की एक सेंट्रो भी खड़ी हुई है, इसके लिए भी आप इनको फ़ोन ला सकते हैं। मैं इनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन ला सकता हूँ। कुछ इस तरीके इनका शोरूम है, काफ़ी बड़ा है, एक दिन में ये फाइनेंस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको मारुति की गाड़ी चाहिए तभी आप आइएगा। बाकी अब लेके चलूँगा आपको एक जगह और, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी कल आने वाला है, क्योंकि जबलपुर में बहुत सारे कार बाज़ार में एक वीडियो में होना तो पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो में बेसिकली 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं बनाने वाला, क्योंकि आप लोग देखते ही 10 मिनट तक हैं। बाकी चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कार बाज़ार। तो दोस्तों तीसरा कार बाज़ार है वो होने वाला है अपना ऑटो चॉइस। अब यहाँ का स्टॉक आपको पूरा कल देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी, लेकिन एक क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ। ये होने वाला है अपना रायताल चौक में चिराई हॉस्पिटल के बाजू में, और गाड़ी देख सकते हैं आप कितनी सारी खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको TUV बोलेरो सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ का अगर आपको फुल स्टॉक देखना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वैसे तो मैं लेके आने ही वाला हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। यहाँ आपको स्कॉर्पियो सफारी दो मिलने वाली है, इनोवा क्रेटा सारी ही चीज़ मिल जाएगी, और एक किया सेल्टोस भी खड़ी हुई है, और TUV सारी ही चीज़ें बोले सकते हैं, कितनी सारी बोलेरो यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। और ये अर्टिगा मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी जो आप डिमांड करते हैं, डस्टर वगैरह छोटी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको। वैगनार ये देखो रेट्स मॉडिफाइड खड़ी हुई यहाँ पे, ऑल्टो K10 भी मिल जाएगी, और शोरूम काफ़ी बड़ा है दोस्तों। एक बार एक रिव्यू दे सकते हैं, शोरूम अपना यहाँ का काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं, और यहाँ का डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी कल आपको यहाँ पर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी दोस्तों देखने के लिए। बाकी दोस्तों एक सेकेंड चश्मा लगा लेते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक दिन के हिसाब से पानी गिरने लगा है, इसलिए मैं कपड़े बदल के आया हूँ दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो अब मिलते हैं कल, कल मिलेगा आपको यहाँ का फुल स्टॉक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।